अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अल्कीन मतलब जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी, रिएक्शंस पढ़े, लास्ट में आज हमने पढ़ना है इसके यूजेस, यूजेस ऑफ इथीन। इथीन एक्चुअली क्या होता है? इथीन जो है वो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर होता है। इसका फार्मूला है C2H4। ये हमारे पास होता है इथीन। इसके यूजेस क्या होंगे? अब इसके यूजेस क्या होंगे? पहला जो इसका यूज है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉली इथीन। पॉली कहते हैं मैनी को। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और इथीन मतलब इथीन मॉलिक्यूल। के जब मैनी बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके जड़ने से पॉलीथीन बनता है, जो प्लास्टिक होता है। और ये प्लास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल क्या होता है? दिस प्लास्टिक इज यूज इन टॉयज। ये जो खिलौने होते हैं प्लास्टिक के, वो इसी पॉलीथीन के बने होते हैं। इसी तरह जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो भी पॉलीथीन होता है, या प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं वो भी पॉलीइथीन ही होता है। मतलब ये प्लास्टिक बना देता है। नंबर टू, इसका दूसरा यूज, इथीन इज यूज इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आर्टिफिशियल राइपनिंग, मुस्तनुई तरीके से फ्रूट्स को पकाना। मतलब कि ये हमारे पास मुख्तलिफ जगह के ऊपर ना स्टोर हाउसेस बने होते हैं, जहां पर जो फ्रूट आता है ना वो अभी राइपनिंग पूरी तरह पका हुआ नहीं होता, उसे स्टोर कर लिया जाता है। और उसे पकाने के लिए जो गैसेस इस्तेमाल करते हैं, वो गैस इस्तेमाल करते हैं, इथीन गैस को यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से फ्रूट्स को पकाया जाता है। नंबर थ्री, इट इज यूज एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक कहते हैं बेहोशी के लिए। इसे बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑपरेशंस के दौरान पेशेंट को बेहोश किया जाता है, तो उसके लिए भी इथीन गैस को भी यूज किया जा सकता है। एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नंबर फोर, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, वो है इथीन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या होती है? एक्चुअली जो मस्टर्ड गैस है, ये इथीन से ही बनती है। जब इथीन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं डाई सल्फर डाई क्लोराइड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होगा SCH2CH2Cl। सेम यहां पर भी ऐसे होगा SCl2CH2Cl। ये मस्टर्ड गैस होगी। ये मस्टर्ड गैस होती क्या? ये मस्टर्ड गैस क्या होती है? एक्चुअली ये मस्टर्ड गैस जो है, ये एक्चुअली इट इज अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। मस्टर्ड जो गैस है, गैस नहीं है एक्चुअली, ये हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे वेपर्स की फॉर्म में होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, तो इसे मस्टर्ड गैस है। तो इसे मस्टर्ड क्यों कहते हैं? अब इसकी जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल जो है वो मस्टर्ड प्लांट जैसी होती है, सरसों के पौधे जैसी होती है। तो इसलिए इसका नाम होता है मस्टर्ड गैस का नाम रखा हुआ। इसका यूज क्या होगा? एक्चुअली जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी, तो उसके अंदर इस मस्टर्ड गैस को यूज किया गया एज अ वेपन। ये वेपन के तौर पर किस तरह इस्तेमाल हुई? एक्चुअली जहां पर भी ये मस्टर्ड गैस लगती है, वहां पर ब्लिस्टर छाले बन जाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसे वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि इट वॉज यूज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इट इज पावरफुल वेसिकेंट। वेसिकेंट किसे कहते हैं? काज ब्लिस्टर। ब्लिस्टर कहते हैं छाले को। तो ये बॉडी के ऊपर छाले बना देती है, जिससे बात क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो इसे नॉर्मली वार के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। तो इसे वार में, इसके अलावा ये जो हमारे पास सफोकेशन भी करता, दम घुटने की बीमारी भी करता, जिससे क्या होता है? डेथ हो सकती है। तो ये हमारे पास वार में इस्तेमाल हुई। इसका फार्मूला याद करोगे, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मस्टर्ड गैस क्या होती है और इसके यूजेस, या मस्टर्ड गैस कैसे प्रिपेयर होती है, ये आपके पास क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। ये हमारा टॉपिक था इथीन का रिमेनिंग। ये हमारे पास अल्कीन का रिमेनिंग टॉपिक यूजेस रह गए थे। इसके बाद हमने चैप्टर का लास्ट पोर्शन स्टार्ट करना है। वो लास्ट पोर्शन है अल्काइन। अल्काइन का पोर्शन स्टार्ट करना। अल्काइन किसे कहते हैं? अल्काइन जिसके लास्ट में आता है YNE। अल्काइन क्या होते हैं? ऐसे एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन क्या होते हैं? इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिसके अंदर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ
ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, अल्काइंस कहलाते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसके हमारे पास पहली एग्जांपल है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइन। दो कार्बन है तो नाम बन जाएगा इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथ वाई एन ई, इथ आइन बन जाएगा, इथ आइन वाई एन लगा दोगे। इसे नॉर्मली एसिटाइलिन भी कहा जाता है, तो ये आपको याद करना होगा, एमसीक्यूज में आता है एसिटाइलिन, सीएच ट्रिपल बॉन्ड सीएच से एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये अल्काइन का फर्स्ट मेंबर भी होता है। अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, अल्केन के अंदर +2 था, इसमें -2 करना होगा। तो ये हमारे पास इसकी शुरू में इंट्रोडक्शन था, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन, अल्काइन किस तरह प्रिपेयर करते हैं। जब हम पहला मेंबर देखेंगे एसिटाइलिन किस तरह प्रिपेयर होता है अल्काइन का फर्स्ट मेंबर, तो इसकी जो पहला मेथड है प्रिपरेशन का, वो पहला मेथड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। बेटा इसकी मीनिंग देखोगे, अगर आपको याद हो पहले भी हमने पढ़ा था, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजिन मतलब हैलोजिन्स, हैलोजिन्स एक्स शो करते हैं कि कोई कंपाउंड जिसमें से हाइड्रोजन को भी रिमूव करे और हैलोजिन्स को भी रिमूव करे, तो उसका नाम देखिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ किस कंपाउंड में से, वो कंपाउंड हम लेंगे डाइहैलाइड। जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद है वो कंपाउंड कौन सा है, डाइहैलाइड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डाई, डाई कहते हैं टू को, हैलाइड मतलब हैलोजिन्स, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो हैलोजिन्स होंगे, हैलोजिन्स मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखो हमारे पास दो ब्रोमीन है, दो हैलाइड्स है, इसका नाम होगा डाइहैलाइड। ये डाइहैलाइड हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड, जब इसका रिएक्शन करते हैं बेस के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कंडीशंस कौन सी होंगी, अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा, वाटर यूज नहीं करना, अल्कोहलिक कंडीशन होगी और साथ में हीट करना होगा, ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। जब इसे हीट अप करेंगे तो यहां से एक्चुअली होगा क्या, हमारे पास यहां से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा और हैलोजन रिमूव होगा। किस तरह रिमूव होगा, अगर हम पहले यहां पर देखें, यहां से रिमूव होगा यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब यहां से रिमूव होगा तो अपना यह बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करके जाएगा, तो हाइड्रोजन यहां से जो रिमूव होता है, हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा प्लस की फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, जबकि दूसरे कार्बन से रिमूव होगा ब्रोमीन, ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा, तो किसकी फॉर्म में रिमूव होगा, नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन अपना बॉन्ड देके गया, तो यहां पर पहले बॉन्ड एक था, एक और बॉन्ड बन जाएंगे डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा हमारे पास सी एच डबल बॉन्ड सी बन जाएगा, जबकि बाकी वैसे रहेगा एच एच वैसे रह गया, जबकि यहां पर एच और बी आर रह जाएगा, जबकि जब हमारे पास यहां से रिमूव हुआ एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव रिमूव हो गया, ये क्या करेगा के बी आर, के बी आर में के के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और सॉरी के ओ एच है, के ऊपर पॉजिटिव और ओ एच के बन जाएगा नेगेटिव, तो क्या होगा के पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बी आर से मिलेगा, तो क्या बना देगा के बी आर पोटेशियम ब्रोमाइड, जबकि ओ एच पॉजिटिव है यहां से एच से मिलेगा, क्या बना देगा वाटर बना देगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, मजीद रिएक्शन होगा, इसी को दोबारा यहां पर लिखते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा, इसमें मजीद डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होगी, मजीद क्या होगा सेम दोबारा वैसे होगा, ये हाइड्रोजन मजीद हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो अपना बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करके जाएगा, किसकी फॉर्म में रिमूव हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, जबकि ये ब्रोमीन रिमूव होगा, ब्रोमीन अपना बॉन्ड साथ लेके जाता है तो माइनस की फॉर्म में रिमूव होगा, तो यहां पर पहले बॉन्ड दो थे तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तीन बॉन्ड हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या बच जाएगा सी एच सी एच, ये हमारे पास एसिटाइलिन प्रिपेयर हो गया, बाकी क्या बच जाएगा, ये हमारे पास के पॉजिटिव और एच नेगेटिव, के पॉजिटिव है तो किसे मिलेगा बी आर से के बी आर, जबकि ये हमारे पास ओ एच है तो एच से मिलेगा, क्या बना देगा एच टू ओ बन जाएगा। तो ये हमारे पास दोबारा कंडीशन वही है, अल्कोहलिक कंडीशन, टेम्परेचर 150 रखेंगे। तो बेटा यहां पर देखो मैंने दोनों स्टेप्स के अंदर एक हाइड्रोजन से, एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से ब्रोमीन को रिमूव किया, यहां पर भी ऐसे ही किया, एक कार्बन से हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से ब्रोमीन, मतलब ये डीहाइड्रो हाइड्रोजन को भी रिमूव किया, हैलोजन्स को भी रिमूव किया, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। नंबर टू, दूसरा मेथड जो इसका प्रिपरेशन का वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। डी का मतलब अभी बताया था आपको, डी का मतलब होगा रिमूवल,
डी का मतलब होता है रिमूवल, हैलोजिन मतलब डीहैलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजिन, हैलोजिन्स को रिमूव करना, सिर्फ हैलोजिन्स को रिमूव करेंगे। कहां से रिमूव करना है? टेट्रा हैलाइड, टेट्रा का मतलब होता है फोर, हैलाइड्स मतलब हैलोजिन, ऐसा कंपाउंड जिसमें चार हैलोजिन्स हो, वो ये कंपाउंड लिखा हुआ है हमारे पास। इस कंपाउंड में देखिए 1, 2, 3, 4 चार ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो ये टेट्रा हैलाइड है। अब जब इसका रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ, जिंक के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा हमारे पास? डीहैलोजिनेशन, हैलोजिन्स को रिमूव करना है। पहले स्टेप के अंदर दो ब्रोमीन रिमूव होंगे, एक एक कार्बन से एक एक ब्रोमीन रिमूव होगा, ये दो ब्रोमीन रिमूव हो जाएंगे। जब ये दो ब्रोमीन रिमूव होंगे तो हमारे पास यहां पर कार्बन की वैलेंसी में डेफिशिएंसी, जब ये दो ब्रोमीन रिमूव होंगे तो बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा। इसे सिंपली इस तरह याद कर सकते हैं कि जब दो एडजेसेंट कार्बन से दो एटम रिमूव होंगे तो बॉन्ड दरमियान में डबल हो जाता है। दो ब्रोमीन रिमूव होंगे तो यहां पर बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल। साथ में दो ब्रोमीन इस ZN से बन जाएगा, ZN Br2 बन जाएगा। इसी तरह ये रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं, यहां से ये ब्रोमीन रिमूव होंगे, जब मजीद दो ब्रोमीन रिमूव होंगे तो पहले यहां पर बॉन्ड डबल था तो रिमूव होने से बॉन्ड मजीद बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? ताकि कार्बन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड किया जाए, चार वैलेंसी पूरी हो जाए, तो मजीद रिमूव होगा तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ZN Br। देखिए अगर हम यहां पर ब्रोमीन ब्रोमीन अगर यहां से मैं बॉन्ड को ना बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा? इस कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस कार्बन में तीन बॉन्ड है तो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए ब्रोमीन को रिमूव करने के बाद बॉन्ड को इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास टॉपिक होगा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके प्रिपरेशन, इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।